हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वैनी वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है हम गाइस पूरा ए टू जेड एक्सप्लोर करके आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा ऐसे सर्वर्स है जिन 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 सर्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टूर्नामेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब अगर तो आप लोगों ने यूएसए का सर्वर कंट्री रीजन में जाके चेंज करके रखा है, या फिर आपका सर्वर टर्की है, या फिर कोई भी अगर यूके व्यूके किसी के भी साथ अगर तो आप लोग चेंज करके रखे हो, तो क्या आपके उस अकाउंट के अंदर, आपके उस डिवाइस के अंदर क्या टूर्नामेंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा? तो गाइस, पबजी वाले इसमें क्या कहते हैं, हम गाइस पूरा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? पूरा आपको ए टू जेड यहाँ पे करके दिखाएंगे कि गेम के अंदर लिखा होता है कुछ, बट हकीकत कुछ और है। तो भाई, इस चक्कर में यार हम लोग जो है हमारा जो रीजियन है वो चेंज करके रखते हैं, एंड इसके कारण हमारे पास जो है वो टूर्नामेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो हम और क्या करें कि जिसके वजह से हम लोगों को हमारा जो टूर्नामेंट का ऑप्शन है वो अवेलेबल मिल जाए। तो सबसे पहले अगर तो आप टूर्नामेंट के ऑप्शन पे जाते हो, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन पे नंबर सिक्स पे मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप लोग देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बोनस रिवॉर्ड इज़ ओनली अवेलेबल टू एशियन सर्वर कंट्रीज फॉर टू चेक योर सर्वर। मतलब ये पबजी वाले कहते हैं कि आप अगर तो सेटिंग में जाके आपका कंट्री रीजन जो है वो अगर एशिया में से, एशिया के अंदर में से कोई सा भी सर्वर चूज़ करके रखते हो, तो आपको जो है टूर्नामेंट का ऑप्शन 100% मिलेगा, ये पबजी वाले कहते हैं। पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि एशिया के अंदर टोटल 48 कंट्रीज आते हैं, एंड जहाँ तक मुझे पता है कि भाई सिर्फ जो टूर्नामेंट का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चिने कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, हमने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया, करने के बाद लिखी है टोटल एशियंस कंट्रीज एशियन सर्वर्स, तो यहाँ पे 48 शो कर दिया। एंड एज यू कैन सी यार, यहाँ पे चाइना हो गया, फिर आपका इटली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओवरऑल यार बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं, ठीक है? तो गाइस, इन सर्वर में से मैंने बहुत पहले इटाली का, इटाली नहीं शायद टर्की या फिर ताइवान ऐसा कुछ करके रखा था, बट मेरे पास जो है जो टूर्नामेंट का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं हुआ था। अभी क्यों नहीं हुआ था गाइज, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। गाइज, कंट्री जो है, कंट्री भी ये तो आपका रीजन हो गया, पर रीजन के अंदर भी एक आता है, उसका नाम होता है सब रीजन, उसे भी एक्चुअली यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, ठीक है? तो जैसे कि देखो, हमारा जो इंडिया है वो कौन से सब रीजन में आता है? हमारा इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो है, ये इनका जो सब रीजन है ये है साउथ एशियंस कंट्री। मतलब समझ रहे हो? अब देखो, एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला है, बट भाई टर्की सर्वर के अंदर बोनस चैलेंज कब अवेलेबल होगा? इसका मतलब क्या है? उसके पास टर्की सर्वर, उस बंदे ने टर्की सर्वर करके रखा और उसके पास जो है टूर्नामेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और गाइज, यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एशिया कंट्रीज एशिया सर्वर में वो टूर्नामेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो टर्की सर्वर है वो भी एशिया, एशिया में ही आता है, समझ रहे हो? पर बंदों को फिर भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई, पबजी के अंदर जो लिखा है ना, ऑल एशियन सर्वर के अंदर जो जो बंदे हैं सबको मिलेगा, भाई ये प्रॉपर फेक है, ए टू जेड इन लोगों ने फेक लिख के रखा है, ठीक है? तो भाई, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे सर्वर्स हैं जिन जिन सर्वर के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। अभी देखो, ये लोग जो बोल के रखे हैं कि हर एशियंस सर्वर में, अभी देखो ये वो भी हो सकता है, बोनस चैलेंज के बारे में भी ये लोग बोल सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के बारे में। तो मेरे भाई, टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियंस कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। मतलब समझ रहे हो? सेम वही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, फिर आपका अफगानिस्तान। तो आप देखो, ये जो आपको गोला दिख रहा है ना, इस गोले के अंदर जो ग्रीन कलर का जो एरो बना है, वो यही है सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियंस कंट्री। मतलब समझ रहे हो? इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा पृथ्वी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्रीज के अंदर जो बोनस चैलेंज है वो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले अफगानिस्तान, सेकेंड बांग्लादेश, थर्ड भूटान, फोर्थ इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, एंड नाइन्थ ये आता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो गाइज, अगर तो आप लोग इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्रीज़ में रहते हो, तो मेरे भाई आप अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हो, क्योंकि भाई
आपको पता है पबजी ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, फिर भी यार इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियंस कंट्रीज़ के लिए ये बोनस चैलेंज टूर्नामेंट अवेलेबल करा है। आई डोंट नो क्यों करा है, क्योंकि उनको भी पता है ज़्यादा बंदे पैसे स्पेंड नहीं कर सकते। सो भाई आप लोग गेम खेल के यूसी कमा सकते हो, सो मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट मुझे पता नहीं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, सिर्फ और सिर्फ इसी इन्हीं गिने चुनी जो कंट्रीज़ है, इस कंट्रीज़ के अंदर आपको जो है वो बोनस चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा। लाइक अगर तो आपका सेटिंग में जाके, बेसिक में जाके, अगर आप रीजन में जाते हो, जाने के बाद यहाँ पे जैसे देखो मेरा इंडिया है, ठीक है, तो अगर तो आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज़ जैसे मैंने दिखाया, टोटल 8 से 9 कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री को आप चूज़ करके रखते हो, तभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, टूर्नामेंट का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। बाकी जो बोनस चैलेंज है वो आपको मे बी हर एक एशियंस कंट्री में मिल सकता है। और गाइस आप लोगों को एक चीज़ बता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई अगर तो आप यूएसए करते हो फिर आप बोनस खेल सकते हो, तो भाई वहाँ पे पिंग हाई देता है। तो गाइज़ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, गाइज़ वो वीडियो बनाने से पहले जो जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उनमें मुझे बंदे बोल रहे थे कि भाई देखो यार हमारे डिवाइस के अंदर टूर्नामेंट का ऑप्शन शो कर रहा है पर बोनस चैलेंज शो नहीं कर रहा, हम रिडीम नहीं कर पा रहे। तो भाई कुछ ऐसा ट्रिक निकाल जिसके वजह से हम लोग रिडीम करके जो रॉयल पास है वो भाई ले ले। तो मेरे भाई वो वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए था कि जो लोग यार रिडीम नहीं कर पा रहे, मेरे भाई उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मेरे भाई वो बंदे जाओ यार, जाके 1800 उसी मैक्सिमम होता है वो रिडीम करो, एंड गाइस जो रॉयल पास है वो ले लो। पर भाई मुझे क्या पता था कि भाई नॉर्मल बंदे भी करेंगे, पहले बंदे बोलते हैं भाई निकालो हम ये करना चाहते हैं, जब वो चीज़ निकाल देते तो उसके बाद बोलता है भाई यार ये गलत किया तूने, हमें पहले वाले पे ही जाना है। मतलब भाई यार आपको रिडीम भी करना है, आपको टूर्नामेंट भी खेलना है, यार ऐसे थोड़ी होता है ब्रो। अब देखो ये तो मेरे हाथ पे नहीं है ना कि मैं सब कुछ कर दूँ, भाई ये पबजी वाले के हाथ पे है। अगर तो आपको एक मिलता है तो आपको दूसरा ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पबजी वालों का चूतिया ऐसा ही करते वो लोग, हमको तो कुछ नहीं मालूम इन सब के वजह से, फिर भी यार ट्रिक निकालते रहते हैं। तो मेरे भाई यार सपोर्ट करो जब यार आप बोलते हो कि भाई नहीं यार मेरे को वो चाहिए ये चाहिए, तू ये कर रहे वो कर रहे, तो बुरा लगता है यार। आप लोगों के लिए वीडियो निकालता हूँ यार, फिर भी अगर तो आप लोग गालियाँ बकते हो तो मज़ा थोड़ी आता है। तो गाइस एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर तो आप लोग का हीरो डी ड्राइविंग दिखाता है तो आप स्पीडीफाई पीपन डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ आपको, फ्री का है। फिर जाओ उसके अंदर, आपको मुंबई और इंडिया मिलेगा, मुंबई और बेंगलोर मिलेगा, तो आपको बेंगलोर पे जाना है। जाने के बाद #20 कर सकते हो एंड #21, इन दोनों में से कोई से भी सर्विस आप चूज़ कर लो, आपका जो टूर्नामेंट का ऑप्शन है वो प्रॉपरली काम कर जाएगा। तो चलो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये नॉलेज पता चल जाए। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।